Hi members welcome to the channel smart resource related to any educational information Assalamualaikum bismillahir rahim आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे काफ़ी अर्से से मैंने जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे कोई लेक्चर नहीं, नहीं अपलोड किया हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी को जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कवर कर देंगे फिजिकल साइंसिस हमारा चल रहा था नेचुरल डिजास्टर्स एंड हैजर्ड्स वगैरह चल रहा था हमने अर्थ कोक वुलकैनिक करप्शन हमने डिस्कस कर लिया था एवलांच हमने वोल्केनिक इरप्शन में हमने डिस्कस किया हुआ है आप एवलांच जो सुनामी एंड फ्लड्स के बाद लिखा हुआ है एवलांच वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं आपने यहाँ पे जितने भी सारे हमारे पास अर्थ को वोल्केनिक इरप्शन ड्रॉड वाइल्ड फायर फ्लॉर्स वगैरह जितने भी हैं वो इतने भी डिटेल में नहीं पढ़ने आपको बस समझ आनी चाहिए कि क्या चीज़ है क्योंकि आपको इस तरह के यूँ क्वेश्चन वगैरह नहीं आते आपको जेंटल साइंस में से कोई आ, बायो वगैरह से रिलेटेड आ जाएगा केमिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा इस तरह जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसमें से एक ही वन वन क्वेश्चन आ जाता है उसी के डिफरेंट पार्ट्स बने होते हैं ठीक है लेकिन ये इस तरह की टॉपिक्स हैं कि जिसमें सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपने मतलब आपको नोहा होनी चाहिए कि क्या चीज़ है ठीक है ये कैसे आते हैं इनका कॉज uh, क्या है इनके फैक्ट क्या है इनकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है आपको इस तरह के पॉइंट्स पता होने चाहिए इवन ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह के यूं क्वेश्चन वगैरह नहीं आते लेकिन अगर छोटा सा कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा अगर इस हमारे नेशनल हैज़र से रिलेटेड फिजिकल साइंस से रिलेटेड तो हमारे इसमें कोई ऐसे डेफिनेशन वगैरह या इस तरह कोई छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन ही होते हैं इफेक्ट्स आ जाती हैं मैनेजमेंट आ जाती हैं वट इज़ सोनामी आ जाता है इस तरह आ जाता है ठीक है so, सोनामी क्या है सीरीज़ ऑफ जॉइंट वेज़ हैं जो कि हमारे पानी में प्रोड्यूस होती है उसको हम सुनामी कहते हैं ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर उसकी मतलब वाटर की डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारी जॉइंट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम सुनामी कहते हैं इनकी कॉजेज़ में हमारे पास करता है अंडर वाटर में हमारे जितने भी रिएक्शन होते हैं लाइक अर्थक्विक होता है पानी के नीचे ओशंस के नीचे सीज के नीचे और वोल्कैनिकल ऑप्शन होती है लाइट लैंड स्लाइनिंग होती है जितना भी जितने भी एक्लोइंस होते हैं अंडर वाटर वो सारे हमारे सुनामी के कॉजेज़ में आ जाते हैं ठीक है और इसकी वजह से हमारा पा पानी जो है वो अब ऊपर नीचे होता है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और जो भी जो भी एक्सलोइन होता है जिससे पानी ऊपर नीचे हो वेव्स वगैरह प्रोड्यूस हो उससे चांसेज होते हैं हमारे सुनामी के ठीक है इनकी स्पीड क्या है वेव्स ट्रैवल एज फास्ट एज एट किलोमीटर पर आवर ठीक है इनकी स्पीड एज इतनी तेज़ है इतनी तेज है जैसे जैसे एक एरोप्लेन नहीं गुजरता सी के ऊपर से कहीं से भी मतलब एरोप्लन की स्पीड अगर आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से, से यूँ को जाता है हमारे ऊपर से अगर हम छत वगैरह पे हों ऊपर हों हम ऑब्जर्व कर रहे उसी तरह इनकी वेव्स ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह यूँ ट्रैवल करती हैं और वेवलेंथ इनकी क्या है वेवलेंथ फाइव किलोमीटर आती है एम्पलीटूड्स इनकी इतनी ज़्यादा एम्पलीटूड नहीं होते वन टू टू फीट होती है मेरी स्मॉल वेव्स भी होती हैं पीरियड जो है इनकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती हैं फाइव फाइव मिनट्स से लेके वन आवर से भी ज़्यादा इनका ड्यूरेशन वगैरह होता है ठीक है अर्ट इधर हमने एग्जाम्पल दी हुई है ये जो सी है इसमें नीचे अर्थ को दिखाया है इसका अर्थ को एक का एपी सैटर दिखाया हुआ है जहाँ से ये जनरेशन प्रोड्यूस होती है जहाँ पे ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड करते हैं ठीक है वहाँ से जनरेशन हुई है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वेव्स प्रोड्यूस हुई है वाटर की वाटर की वेव्स यहाँ पर तो आपको आहिस्ता आहिस्ता लगेंगी लेकिन जहाँ पे वो ट्रैवलिंग करके जो साइड्स पे बीच वगैरह वाली साइड पर जाती हैं वहाँ पर शैलो वाटर होता है पानी कम होता है जिसकी वजह से वेव्स आपस में बहुत कंबाइन कंजस्टेड सी हो जाती हैं जिसकी वजह से लेयर्स आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्रेस्ट एंड ड्राफ्ट जो हैं वो हाई एंड हाई एंड हाई बड़ी बड़ी वेव्स बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आप अंदाज़ा भी नहीं लगाते आप अगर सोनामी की वीडियोस वगैरह देखें और इस में जो आपके सोनामी हुए हुए हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी कोई आप नेट से निकाल के देख लें तो आप वजह करेंगे बहुत ऊँची ऊँची लंबी लंबी वेज होती हैं जो कि पूरे के पूरे बीच को कवर अप कर देती हैं इवन ट्रीज तक फुल कवर अप हो जाते हैं बिल्डिंग्स कवर अप हो जाती हैं ठीक है ये बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड होने की वजह से इनकी हा क्रेस्ट एंड ड्राफ्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती हैं ठीक है हमारे पास इफ़ेक्ट्स में क्या आ जाता है इफ़ेक्ट्स में ये किस वजह से ये क्या क्या कॉज करती हैं ठीक है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन करती हैं ठीक है और जो रशिंग वाटर होता है वो ट्री से भी ऊपर तक चला जाता है बिल्डिंग्स हमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं उनका बुनियादें ही खत्म हो जाती हैं ठीक है वॉश अवे एंटायर बीचेस फ्रीक्वेंट आउटफ्लो ऑफ वाटर सो डिस्ट्रक्टिव एज ऑसोलेशन जिमे कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज मतलब उनकी इतनी ऑसिडेशन वगैरह हो गई होती हैं सी में कि वो काफ़ी दिनों तक उनकी जो वेव्स हैं वो आ, चलती ही रहती हैं उनकी ऑसिलेशन वगैरह पानी की चलती रहती है और जो ये कॉन्टामिनेट वाटर प्रोड्यूस होता जाता है कॉन्टामिनेटिड वाटर ये बाकी सोसाइटीज़ वग़ैरह में हो जाता है और कॉन्टामिनेशन की वजह से हेल्थ हैजर भी काफ़ी आ जाती है लाइक अगर फैक्ट्री अगर पास है हमारे बीच के फैक्ट्री अगर तबाह हुई है उसकी वजह से गैसेज़ वगैरह प्रोडक्शन या ऑयल प्रोडक्शन इंडस्ट्री के ऑयल एंड केमिकल्स वगैरह जो होते हैं फैक्ट्रीज़ की वो सारे हेल्थ हैजर्ड कॉज कर देते हैं डिफरेंट इलाकों में जो उनके इर्द गिर्द आ रहे होते हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं ठीक है मूविंग वेव्स वॉश आउट रेजिडेंशियल सेटलमेंट्स ये हमारे यही है कि वहाँ पर जितने भी लोगों ने घर वगैरह बनाए होते हैं वो टोटली बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं ख़त्म ही हो जाते हैं बिल्कुल घर ख़त्म ही हो जाते हैं लोगों की ज़िंदियाँ चले जाती हैं काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉस भी होता है प्रॉपर्टी लॉस भी होता है ठीक है लीकिंग ऑफ गैस में लीड टू एक्सप्लोजन ये वही आता जाता है कि अगर फैक्ट्री वगैरह में कोई लीकिंग ऑफ गैस हो जाती है ये पानी के शर वगैरह की वजह से और ये ज़्यादा फास्ट स्पीड में पानी आने की वजह से तो वो एक्सप्लोजन वगैरह कोस कर सकती है केमिकल्स वगैरह से काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड आ जाते हैं लाइक लोगों के गले खराब हो जाते हैं इवन लोगों की स्किन जल जाती है इवन काफ़ी कुछ आ जाता है सिर्फ ये गैस प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती वहाँ पे वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल लेवल पे जितने भी चीज़ें होती हैं आपको पता ही इंडस्ट्री में क्या क्या होता है फिर कोई एक डिपार्टमेंट चलाना हो तो उसके लिए आपको काफ़ी काफ़ी चीज़ें वगैरह नोट करनी पड़ती हैं लाइक अगर आपको कोई फैक्ट्री करनी है उसके लिए आपका स्टाफ भी होता है तो स्टाफ को भी काफ़ी डैमेज आता है इवन वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनको काफ़ी डैमेज आता है और ये पानी के पैटी की वजह से काफ़ी डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से उसकी काफ़ी नो कीली वग़ैरह चीज़ें भी लग जाती हैं लोगों को काफ़ी डैमेज आता था है मशीनरी से भी काफ़ी डैमेज आ जाता है लोगों की जानों को इवन किसी फैक्ट्री में जाएँ कोई छुरी वगैरह या कैंटी वगैरह मशीनरी वगैरह में तो इस तरह की शार्प चीज़ें होती हैं उस वगैरह से भी काफ़ी लॉस ऑफ़ लाइफ हो जाता है ठीक है डेवस्टेटिंग प्रॉपर्टी डैमेज इंड लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज तो वही आ जाता है कि आपके सारे घर के घर तबाह हो जाते हैं पानी का पानी फुल घुस जाता है जिसकी वजह से इंसान भी मर जाते हैं और प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है बुनियादें तक खत्म हो जाती हैं घरों की मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्टेप्स में क्या आ जाता है हमारे पास वार्निंग सिस्टम्स सही अलर्ट होने चाहिए जो कि हमें वार्न करें कि अंडर वाटर हमारे अर्थ को रिकॉर्ड कराएँ जिनके मैग्नीट्यूड सेवन या फिर इससे ज़्यादा हो ठीक है अर्ट कोई रिकॉर्ड होने चाहिए जितने भी अनयूजल सी लेवल ज़्यादा हो रहा है लाइक सी लेवल कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होता है कभी कभी बहुत कम भी होता है कम भी आपको रिपोर्ट कराना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कोई सक्शन वगैरह की फोर्स वगैरह बन रही होती है जिसकी वजह से भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो uh, बिल्कुल ही वेव्स uh, वगैरह जब प्रोड्यूस हों तो बहुत ही बीच वाली साइड पर ज़्यादा वेव्स आ जाती थी हैं ठीक है थीके? ये सारे हमें रिकॉर्ड्स में रखना चाहिए और ये सारी मैनेजमेंट सिस्टम को करना चाहिए कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड कराएँ अर्थ को रिकॉर्ड कराएँ सी लेवल रिकॉर्ड होते हैं और ये सारे रिकॉर्डिंग सिस्टम हैं जो रिपोर्ट करते हैं सीजन uh, वेदर वाले जो uh, हमारे लोग होते हैं वर्ल्ड uh, वाइड ये रिपोर्टिंग वगैरह होती है कि सी में ये अब हो गया है लेवल कितना चल रहा है अर्थ को ये कितने हो रहे हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी वालकैनिकॉप्शन हो रही हैं वो रिपोर्ट की जाती हैं और रेसिसमिक डिस्टर्बेंसेज जो टेक्टोनिक प्लेट्स की होती हैं वो वो uh, रिपोर्ट की जाती हैं और फिर बाद में uh, एक मेजर मैनेजमेंट स्टेप ये है कि अगर आपको ख़शा हो रहा है कि यहाँ पे कोई वाकई सुनामी आ सकता है लाइक like वेव्स इतनी प्रोड्यूस हो गई हैं तो आपको वहाँ से वो एरिया इवेक्वेट कराना पड़ता है सारे लोगों को वहाँ से निकाल के कहीं और पे शिफ्ट करना पड़ता है पहले लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ पर सुनामी होगा मैं अभी आपको कुछ वीडियोस के साथ आ, क्लिप्स के साथ बता देती हूँ कि अर्थ को एक लैंड स्लाइडिंग और वोलगैनो वगैरह की वजह से कैसे ये पानी आ, में वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं और सोनामी जनरेट होता है ठीक है दिस इज एन एक्साम्पल ऑफ अर्थ को एक अर्थक् से जैसे कॉज होती है टेक्टोनिक प्लेट्स जो मैंने आपको पहले अर्थक्वेक में डिस्कस किया था वो ऊपर नीचे होती हैं जिसकी वजह से पानी में काफ़ी वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से क्रेस्ट एंड ड्राफ्ट वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं ठीक है ये हमारे अर्थक् की वजह से आ गई नेक्स्ट ये एग्जाम्पल हमारी जो है वो हमारी लैंड स्लाइडिंग वजह से है ऐसे अंडर वाटर जो हमारी लैंड स्लाइडिंग होती है उसकी वजह से भी हमारे में काफ़ी वेव प्रोडक्शन हो जाती है ओशन में सी में वेव प्रोडक्शन हो जाती है डिस्टर्बेंसेज आ जाती हैं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोलकैनिक्रप्शन वोल्कैनोज आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्रैस एंड ट्राफ वेव प्रोड्यूस हो जाती हैं वाटर डिस्टर्बेंसेज आ जाती हैं ओशन और सी में और हमारे पास इसकी की स्पीड आपको मैंने बताया इसकी इतनी, इतनी हाई है इनकी ट्रैवलिंग की कि वो एक साइड से दूसरी साइड तक ओशन के पहुँच जाती हैं और वो ऐसी है जैसे आपका एक एरोप्लेन आपके ऊपर से फुल स्पीड में टू किलोमीटर की स्पीड पर गुजरता है वैसे ये जो वेव ट्रैवल हैं इनकी काफ़ी स्पीड हाई है एट किलोमीटर की स्पीड से भी ये ट्रैवलिंग करती हैं फिर हमारे पास आ जाता है ये जो जितनी भी वेव ट्रैवलिंग हैं वो एक ओशन की साइड से दूसरी अर्थ वे से तो दोनों साइडों पे चला जाता है वो कैनिकल ऑप्शन से हमारे दोनों वन साइड से दू सेकेंड साइड पे जा रहा होता है और जहाँ पे हमारी हाइट कम हो जाती है वाटर कम हो जाता है इतना डीप नहीं होता वहाँ पर फिर हमारी वेव्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे से ज़्यादा बड़े बड़े वेव्स बनाने लग जाती हैं जिनको क्रेस एंड ट्राफ्ट बोलते हैं वेव्स के वो हमारे काफ़ी हाई हाई हो जाते हैं और हमारे उसकी वजह से हमारे वो कोस्टल एरियाज़ में जाके पानी बहुत दूर तक उसकी बहुत बड़ी बड़ी वेव्स चल जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे कोस्टल एरियाज़ तबाह हो जाते हैं बीचेस तबाह हो जाते हैं सारे घर वगैरह तबाह हो जाते हैं इवन हमारे ट्रीज़ भी नीचे गिर जाते हैं आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे कि वहाँ पे जितने भी हाउसेज़ वग़ैरह हैं वो सारे तबाह हो जाते हैं फिर बाद में ये जो वेव होती है वो वापस ड्रॉबैक कर जाती है पीछे जाती है क्योंकि पानी की वेव आई होती है तो वेव काफ़ी ड्यूरेशन के बाद मतलब फाइव मिनट्स वन आवर की भी वेव होती है इस तरह मोर देन वन आवर की भी होती है इस तरह वो वापस आती है फिर सेकेंड वेव के साथ टकराती है सेकेंड वेव आती है और वो उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बड़ी वेव आती है और काफ़ी ज़ोर से ज़्यादा तबाही वगैरह मचाती है ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है अल्लाह हाफिज़